जिंदगी अच्छी होती है. व्हाट डू यू से? यू लुकिंग वेरी फ्रेश एंड हैंडसम. टी? कॉफी? डिसअपॉइंटमेंट अच्छी चीज नहीं है. लाइफ इज सो ब्यूटिफुल. दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, जिंदगी एक्सपीरियंस करो, हैव फन. हाँ, किसके साथ? सब डरते हैं मुझसे, कोई मेरे करीब नहीं आना चाहता, मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता. तो किसी रवैये ने मुझे बड़ा एजिटेटेड, इरिटेटेड और चिड़चिड़ा सा बना दिया है. सब भरा हुआ है मेरे अंदर. लोगों को देखता हूं तो दिल चाहता है उनका मुंह तोड़ दो. मेरी मामा सोचती हैं कि वैसे कि अटेंडेंट रख दिया या मेरे डॉक्टरों से चेकअप करा के मुझे वक्त पे दवाई दे के सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है. मैं क्या चाहता हूँ, क्या फील करता हूँ, किसी से बात करने का दिल चाहता है, बट नोबडी इज देयर. मतलब सारा दिन बैठा हुआ मैं सिर्फ. पूरब, पूरब, अब आई वांट टू गो आउट एंड बाहर जाना चाहता हूँ. थैंक यू फॉर योर टाइम. श्योर, बट एक बात कहूंगी अबान, बी अ फाइटर. आते जिसम के साथ. आप ऐसे करें, ट्यूसडे को 4 बजे आ जाए, ठीक रहेगा? ट्यूसडे के अलावा मेरे पास है वेडनेसडे, बुध 5 बजे, ये ठीक रहेगा? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही. सो मैं आपको फिर वेडनेसडे को 5 बजे, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू सो मच जी. सॉरी मिसेज एहतेशाम. अच्छा, मैंने अबान को एग्जामिन किया है एंड मुझे उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही. पहले से बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे हैं एंड आई डोंट थिंक वो अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले रहे हैं. यही तो प्रॉब्लम है, दवा नहीं खाता टाइम पे. जिद तो पहले भी उसमें कूट कूट के भरी थी, पर ये एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स करो तो चिखता चिल्लाता है, बदतमीजी करता है. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट. आई एम श्योर घर पे सिचुएशन बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, लेकिन अगर उन्हें अपनी मेडिकेशन टाइम पे नहीं ली तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी. वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं और अगर बेकाबू हो गए तो उनको शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाए. बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा है अबान, जानवर नहीं है जिसके हाथ पैर बांध के अस्पताल में आप. मैं समझ सकती हूँ मिसेज एहतेशाम. मैं कर लूँगी कुछ.